एक लोटा वर्षा जल भाग्य परिवर्तन करी पारे, दस समस्यारु मुक्ति लाभ हुए। प्रोफेशनल लाइफ टेंशन रे अतिवाहित होउची वर्षा जल रे यही उपाय करंतु। ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र अनुसारे वर्षा जल को निर्धारित उपाय रे व्यवहार करिले आपण अनेक सांसारिक समस्यारु मुक्ति पाई पारिबे। यही वर्षा जल आपणकर आर्थिक अभाव को दूर करी पारे, दाम्पत्य जीवन रे होउथिबा क्लेश मध्य कम हुए। अनेक दिन रोग रे पीड़ित व्यक्ति पाई लाभप्रद अटे। करज ऋण रु मुक्ति मिली पारे, रोजगार कर्म रे उन्नति, विवाह रे विलंब, मनोकामना पूर्ण इत्यादि समस्या पाई वर्षा जल को विधि अनुसार उपयोग करा जाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे जदि आपण को उपरे ऋण भार कर्ज बोझ अनेक दिन रु थाए तेबे एक बाल्टी वर्षा जल संग्रह करंतु। यही जल रे पवित्र सप्त नदी को मंत्र पढ़ी आवाहन करंतु एवं एक मास पर्यंत नित्य स्नान करिबा परे यही वर्षा जल एक लोटारे स्नान करंतु। मंत्र हेला गंगेच जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। रोजगार एवं व्यवसाय रे उन्नति पाई एक पीतल लोटारे वर्षा जल संग्रह करी एकादशी दिन माता लक्ष्मी एवं विष्णु भगवान को जलाभिषेक करंतु एवं निजर उन्नति पाई भगवान को प्रार्थना करंतु। आर्थिक स्थिति मजबूत करिया पाई एक माटी माठियारे वर्षा जल भरी करी घरर उत्तर पूर्व ईशान कोण रे रखंतु। एहा द्वारा माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त हुए। वास्तुशास्त्र अनुसारे ईशान कोण देवादेवी को स्थापन करिबा स्थान अटे। यही ईशान कोण को खुला रखंतु एवं सफा रखंतु। विवाह रे विलंब हेउथिले, विवाह प्रस्ताव रे बाधा आसुथिले, वर्षा जल को ताम्र लोटारे एकत्र करी श्री गणेश मूर्ति को बुधवार दिन जलाभिषेक करंतु एवं धूप दीप दूब घास एवं नैवेद्य सहित अर्पण करंतु। विघ्नहर्ता गणेश को प्रार्थना करंतु। जदि कौनसी व्यक्ति अनेक दिन रोगग्रस्त बिछणा रे पड़ी थाए वर्षा जल संग्रह करी महामृत्युंजय मंत्र रे अभिमंत्रित करी रोगी को पीवा को दियंतु। जदि संभव हुए रोगी निजे महामृत्युंजय मंत्र 11 थर जप करंतु, शीघ्र आरोग्य लाभ हुए। महामृत्युंजय मंत्र हला त्रयंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारु कमिव बंधनात् मृत्युर्मुखियम अमृता। मनोकामना पूर्ण होबा पई श्रावण मासर सोमवार दिन वर्षा जलरे शिवलिंग को जलाभिषेक करंतु, आशुतोष महादेवंकर कृपा प्राप्त हुए। जदि आपण अधिक मानसिक अवसादर शिकार होउथांती, काम काजरे मन न लागुथाए, गृह रे क्लेश बारंबार रहुथाए, तेबे एक ग्लास वर्षा जल को किंबा साधारण जल को शयन करुथिबा खट तले रातिरे रखि दियंतु। सकाळु उठि करि एही पाणी को कोनोसी टॉयलेट रे किंबा ड्रेन रे ढाळी दियंतु। एही काम 7 दिन पर्यंत करंतु। जदि दाम्पत्य जीवन रे कलह सृष्टि होउथाए तेबे वर्षा जल एक लोटा शयन कक्ष रे राति रे रखंतु एवं कष्ट निवारण पई प्रार्थना करंतु। सकाळु एही पाणी को कोनोसी गछ मूल रे अर्पण करंतु। साधारण पाणी रे दूध एवं गुड़ मिसाई उस्त गछ मूल रे शनिवार दिन जल अर्पण करिले समस्त ग्रह पीड़ा दूर हुए, सुख शांति वृद्धि हुए। यही मंत्र उच्चारण करी उस्त गछ मूल रे पाणी अर्पण करंतु। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाजाग्रम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। तंबा लोटारे जल भरी करी सेतिरे गुड़ मिसाई सकाळु स्नान करी पूर्व दिग को मुह करी सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पण करंतु। एहा कले भाग्य उदय हुए, रोगरु मुक्ति मिले, ग्रह पीड़ा दूर हुए।
मान सम्मान रे वृद्धि हुए। यही मंत्र पढ़ी जल तर्पण करंतु। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। किछि लोकंकर प्रार्थना भगवान काहीकि शीघ्र स्वीकार करती नाही, यार एक विशेष कारण से माने निजर माँ बापंकर सेवारे अवहेला करिथांती, सेमानंकु पीड़ित करिथांती। जे मानंक उपरे माता पितांकर आशीर्वाद न थाए तार पूजा को देवता माने मध्य स्वीकार करती नाही। फलस्वरूप पितृ ऋण रे पीड़ित व्यक्ति जीवन रे काल सर्प दोष उत्पन्न हुए। यही पितृदोष कारण अभाव अनाटन दारिद्रता रोग व्याधि आकस्मिक दुर्घटना कलह शत्रुभय ऋणभार इत्यादि समस्या उत्पन्न होता है। एणु श्रद्धापूर्वक माता पितांकर सेवा सत्कार करिबा दरकार एवं पितृपुरुष मानंकु पिंडदान एवं तिलांजलि जल अर्पण करिबा दरकार। प्रत्येक अमावास्या दिन एक लोटा जल रे कला तिल अक्षत एवं मिश्री मिसाई पितृपुरुषंकर आत्मार सद्गति पाई पितृदेव को जल अर्पण करिबा आवश्यक। जल तर्पण मंत्र पितर सौम्यसा पितर पितामह प्रपितामह प्रपितृण सतायुष पितर तर्पयामी पितर तर्पयामी पितर तर्पयामी। यही मंत्र द्वारा पितृलोकंकर देवता सौम्यसा द्वारा आपणकर गोत्ररे उत्पन्न शहे पीढ़ीर पितृपुरुष मानंकु तृप्ति करा जाए।